तो भाई हम सभी को पता है इंडिया एक फ्रीली कंट्री है जिसमें राइट टू फ्रीडम है, यानी कि सबको अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है। पर क्या आपने मणिपुर की कहानी सुनी है? अभी जो मणिपुर में लेटेस्ट घटना हुई भाई, मणिपुर में भाई दो औरतों को सरेआम वस्त्रहीन करके यानी नेक्ड वीडियो बनाया गया और उन्हें सरेआम रोड पर ले करके गए। और ये सिर्फ एक दो इंसान ने नहीं करा भाई, उस वो भीड़ पूरी 800 लोगों की थी उनके सामने करा गया। करा भले ही 4 लोगों ने था बट देखने वाले वहाँ को उससे में 800 झंडे थे। चलो भाई इतना बड़ा कांड हुआ, एक बार को गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत समझा बट इसके बाद वीडियो भी बनाया गया भाई और वीडियो को वायरल कर दिया गया। पहली बात तो वो काम ही बहुत गलत है भाई, एंड इस तरीके से वीडियो वायरल करा गया कि सोशल मीडिया पर लगभग सभी को पता चल गया भाई। आज से ठीक 3 महीने पहले लगभग मणिपुर में आपको बताओ वॉयलेंस चल रहा था, 4 मई को ये कांड हुआ भाई, उस दिन ये वीडियो बनाया गया एंड परसों वेनसडे के दिन इस वीडियो को लीक कर दिया गया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को दिखने लगी और जब लोगों ने इस वीडियो को देखा तो लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा भाई, आखिर किसी औरत को सरेआम भाई इस तरीके से। तो भाई बहुत गलत बात है जो कि मणिपुर के अंदर इस समय हुई है, एंड मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती हमारी भी है भाई। मणिपुर की गवर्नमेंट इस समय हैरियत में है, मतलब पुलिस ने चारों तरफ से लगभग घेर रखा है, सारी जनता ने घेर रखा है और लगातार वहाँ पर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है भाई। कई गाड़ियाँ जला दी गई हैं, उस समय की बात जब 3 मई की बात थी तो लगभग भाई 800 लोगों का एक ग्रुप जाकर मणिपुर के अंदर घुसा और वहाँ पर तबाही मचा दी भाई। लगभग 150 जनों की उस दिन मौत भी हुई थी और 40,000 से ज़्यादा लोग जो होंगे डिस्प्लेस हो गए थे भाई, अपनी जगह से चले गए, मतलब कि भाई बहुत बड़ा कांड हुआ है उस दिन मणिपुर में। अब देखते हैं भाई सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर हर जगह पर यही न्यूज़ फैल रही है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी। अब भाई बहुत गलत काम हुआ है, इसके खिलाफ गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। भले ही 4 आरोपी में से इस समय 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें से एक लीडर बताया जा रहा है जिसने कि सबसे ज़्यादा ये गलत काम करा, तो भाई उसे तो पकड़ लिया गया है। अब उसके साथ भी जो होता है गवर्नमेंट करती है वो आपको मैं न्यूज़ के थ्रू बता